वंस अगेन वेलकम बेटा। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, द क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर, यही चैप्टर अपना कंटिन्यूस है और इस चैप्टर के हम बिल्कुल अंतिम छोर पे हैं। आज के इस टॉपिक में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। बिफोर कि मैं आज का जो टॉपिक स्टार्ट करूं, एक बार हम रिकलेक्ट कर लेते हैं इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या बात किया बेटा। इससे पहले वाले टॉपिक में अगर आप याद कर पाए तो वी वर डिस्कसिंग किसके बारे में, वी वर डिस्कसिंग जनता पार्टी की गवर्नमेंट लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ में भारत के अंदर बनी थी एंड दी जनता पार्टी गवर्नमेंट, ठीक है ना, लेड बाय दी जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। अब 1977 के इलेक्शन के बाद में दे हैव गोट अ ह्यूज मेजोरिटी, उनको एक अच्छा बहुमत मिला था, 330 आउट ऑफ दी 542, 330 सीटें, 542 सीटों में से जनता दल और उसके सहयोगी पार्टी को भारत में मिली। साथ में अगर जनता दल की बात करें तो जनता दल के पास भी 295 सीटें, जो कि बहुमत से ज़्यादा सीटें थी, वो मिली थी। जनता दल की सरकार बनती है और हमने बात की थी कि कैसे ये जो पार्टी है ये विभिन्न आइडियोलॉजी की, नॉन कांग्रेसिज्म के ऊपर ये सत्ता के अंदर ये सभी दल, आप कह सकते हो कि महागठबंधन, अलग अलग पार्टियां एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पे आई थी। उनका मकसद ये था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देना है, लेकिन उनके पास में कोई एक आइडियोलॉजी, कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, या फिर हम बात करें कि एक यूनिटी उनमें पार्टी में नहीं देखने को मिलती थी। और जैसे ही जो परिणाम आते हैं 1977 के लोकसभा के चुनाव के, उसमें के बाद में अब इनमें एक कंपटीशन होता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने, ठीक है ना, और देयर वर दी थ्री कंपिटिटर्स, तीन इस चुनाव मैदान में थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। हमने बात की थी मोरारजी देसाई की, और हमने बात की थी मोरारजी देसाई के साथ में जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी को छोड़ के कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक नई पार्टी बनाते हैं और बाद में वो अपनी पार्टी को मर्ज कर देते हैं जनता दल के साथ, ठीक है ना। लेकिन मोरारजी देसाई देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो अपनी सरकार मात्र 18 महीने तक चला पाते हैं, और उसके बाद में उनकी जो मेजॉरिटी है बहु समाजवादी जो जनता दल है उसके अंदर स्प्लिट होने से वो उनकी बहुमत कम हो जाता है और सरकार गिर जाती है। फिर दोबारा से सरकार बनती है और इस बार बनाते हैं चौधरी चरण सिंह जो सरकार बनाते हैं, दैट गवर्नमेंट हैज बिकम विद द आउटसाइडर सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, यानी कि जिस कांग्रेस को हम सत्ता से बाहर रखने के लिए एक साथ हुए थे, अब उनके समर्थन से सरकार बनती है और ये सरकार भी मात्र 4 महीने चलती है। तो टोटल 18 महीने उनकी लगा लो जो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड देयर आफ्टर चौधरी चरण सिंह जो कि एक किसान थे और यूपी से थे और उन्होंने देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में 4 महीने का कार्यकाल निकाला, अपने आप में एक इतिहास में दर्ज हो गया, इतिहास के पन्नों पर लिखा गया, राइट। तो फिर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह की सरकार का सपोर्ट विड्रॉ कर लेती है कांग्रेस और उसके परिणाम स्वरूप रिजल्टेड इन द क्या क्या होगा इसके बाद में, डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, वो सरकार गिर जाती है। इसके बाद में जनवरी 1980 के अंदर, 1980 के अंदर देयर इज अगेन लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है ना, लोकसभा के चुनाव होते हैं और इस लोकसभा के चुनाव के अंदर फिर कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना, अपना खोई हुई
जमीन को दोबारा से पा लेती है। कहने का मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ में फिर दोबारा से पूरे भारत के अंदर वो दोबारा से अपने पूरे वर्चस्व के साथ, पूरी हाजमोनी के साथ सरकार बनाती है। और इस बार उसके पास में जो बात करें 353 सीटें के साथ में, 353 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी 1980 में दोबारा से देश में सरकार बनाती है। और ये जो सरकार है ये इंदिरा गांधी की सरकार है। एक नारा भी चला उस टाइम में कि इंदिरा बोले तो इंडिया और इंडिया बोले तो इंदिरा, यानी कि भारत में इंदिरा गांधी को एक इंदिरा इंडिया के साथ एसोसिएट कर दिया गया, जो कांग्रेस के इंदिरा गांधी के जो पिछलग्गू नेता थे उन्होंने इस तरह का नारा दिया। तो ये तो हमने बात की इससे पिछले टॉपिक के बारे में, राइट। अब आज के टॉपिक में देखो, हम जो बात कर चुके हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है लोकसभा के बाद की राजनीति की बात कर रहे हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है ना। अब वो 1900 लोकसभा के चुनाव 1977 की बात कर रहे हैं। जनता दल की सरकार के बारे में मैंने आपको रिकलेक्ट करके बता ही दिया है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम विरासत की बात करेंगे, लिगेसी की बात करेंगे कि जो नई सरकार बनी है इंदिरा गांधी जिसको नेतृत्व दे रही है, न्यू कांग्रेस अपने आप में पुरानी कांग्रेस से बहुत अलग है, किन मायनों में अलग है इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये कांग्रेस क्या वो सब आइडियोलॉजी, वो विचार मंथन, वो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल विचारधाराओं वाले एक पार्टी के अंदर, जो पुरानी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, जिस कांग्रेस आई की बात जो बात करते हैं, जिसमें जो एक पुरानी कांग्रेस थी इंदिरा गांधी से पहले की जो कांग्रेस थी, ठीक है ना, ये अब कांग्रेस आर है जिसको इंदिरा गांधी नेता है, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन इनको नहीं चाहिए, विभिन्न विचारधाराएं इस पार्टी में नहीं चलेंगे, अलग अलग फैक्शन नहीं है जो कि आप पुरानी कांग्रेस के अंदर देखते थे। तो कई मायनों में ये नई कांग्रेस पुरानी कांग्रेस से अलग है, उसमें अलग अलग नेता थे जिनकी पार्टी के अंदर पूछ थी, बट हेयर इन नाउ द ओनली द लीडर इज दैट इज द इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ही इस पार्टी को एक अकेले नेतृत्व के नीचे ये पार्टी काम कर रही थी, वो पार्टी जिसके अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज को तवज्जो दी जाती थी, इम्पोर्टेंस दी जाती थी, अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो इसी के बारे में और आगे आप मेरे साथ पढ़ेंगे कि बिटवीन 1977 एंड 1980, 1977 से 80 के बाद में द पार्टी सिस्टम हैज चेंज ड्रामेटिकली। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के सिस्टम की, इट हैज चेंज ड्रामेटिकली, पूर्ण रूप से बदल चुकी है पार्टी। कांग्रेस की बात करें, सिंस 1969 द कांग्रेस पार्टी हैज स्टार्टिंग शेडिंग इट्स करेक्टर। हमने बात की थी कि 1969 से ये पार्टी अपना पुराना वाला जो करेक्टर है, जो एक छाते के नीचे सभी अलग अलग विचारधाराओं के नेता एक साथ में बातें करते थे, उनके विचार अलग हो सकते हैं लेकिन पार्टी के अंदर ऐसी इंटरनल डेमोक्रेसी देखी गई, सब पार्टी के जो नेतागण हैं वो अपनी विचारधारा, अपने मत, अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, इंटरनल डेमोक्रेसी देखी जाती थी। मैं बात कर रहा हूँ पुरानी कांग्रेस की, के कामराज की कांग्रेस, जिस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज होते थे, ठीक है ना, या फिर उसके बाद में निजलिंगप्पा उसके अध्यक्ष बने, ठीक है। लेकिन अब ये जो कांग्रेस है ये पूरा बदल चुकी है, इसका स्वरूप बदल चुका है, इसका चेहरा बदल चुका है, इसका आकार बदल चुका है, इसका शेप बदल चुका है। किस तरह से बदल चुका है? अब ये जो कांग्रेस है, 1969 में मैंने बात की थी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो कांग्रेस के अंदर जो स्प्लिट देखा गया, एक तरफ नीलम संजीवा रेड्डी को जो कांग्रेस के अध्यक्ष तत्कालीन के कामराज ऑफिशियल कैंडिडेट के रूप में राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा करना चाहते थे, उनके विपरीत इंदिरा गांधी अपना एक कैंडिडेट जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि एक पार्टी से दो अलग अलग कैंडिडेट को सपोर्ट किया गया, वहां पे वीवी ग्री को सपोर्ट करने की बात हो रही थी, राइट। तो वो 1969 से कांग्रेस में ये स्प्लिट देखा गया,
जो उनका जो पुराना करेक्टर था कांग्रेस का, वो अब पूरा चेंज हो चुका है, नया ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है कांग्रेस में। अर्ली 1970 में द कांग्रेस पॉलिटिकल सक्सेस डिपेंड अपॉन अट्रैक्टिंग द पीपल ऑन द शार्प सोशल एंड आइडियोलॉजिकल डिविजन। अब ये 1970 के जो शुरुआती दशक की अगर बात करें, ठीक है ना, 1970 के शुरुआती दौर के सोशल और आइडियोलॉजिकल डिविजन्स हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। अब सिर्फ कांग्रेस के अंदर एक नेता है, दैट इज़ द इंदिरा गांधी, ठीक है ना, उनके कहने के मुताबिक ही ये कांग्रेस चलती है। अब हम अपोजिशन पार्टी के बारे में बात करते हैं। हम सभी का उस पीरियड का एक पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं कि देश के अंदर संवैधानिक संकट क्यों खड़ा हुआ, राजनीतिक संकट क्यों खड़ा हुआ, देश में संवैधानिक संकट क्या था उसके बारे में बात करेंगे, राजनीतिक संकट क्या है, और इनमें दोनों में संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, वो सबसे खतरनाक डैमेजिंग भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रहा या पॉलिटिकल क्राइसिस रहा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बेटा कि ये जो अपोजिशन पार्टी है वो कौन से आधार बनाकर देश के अंदर अपनी राजनीति कर रही थी। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के अलग, नॉन कांग्रेसिज्म की बात कर रहे थे। सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक मंच के ऊपर आए तो ओनली देयर प्राइमरी पर्पस वाज टू डिफीट द कांग्रेस, टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार नहीं बनने देनी, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना, किसको, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना। तो अपोजिशन पार्टी, नॉन कांग्रेसिज्म, अवॉइड डिवीजन, और इनका ये भी था कि जो वोट बैंक है, अवॉइड डिवीजन ऑफ द नॉन कांग्रेस वोट्स, के जो कांग्रेस के अलावा जो भी वोट बैंक है उनका डिवीजन ना हो। जो चुनाव हुए 1980 के चुनाव की बात करें, नहीं 1970 के चुनाव की जो बात करें, तो उसमें ये सभी पार्टियों ने प्रयास किया कि अगर भाई हमारे, हम पार्टियां आपस में डिवाइड हो गई तो वोट भी डिवाइड हो जाएगा। हाँ, ये पूरा जो कांग्रेस के अलावा जो वोट है सारा एक साथ पड़े, एक साथ पड़े मतलब महागठबंधन के लिए पड़े, महागठबंधन का मतलब जनता दल और उसकी साथी पार्टियों के साथ में पड़े, ताकि हम कुल मिलाकर बहुमत का आंकड़ा पा जाए। राइट, समझ गए बात, कि एक तरफ कांग्रेस और उसके दूसरी तरफ सभी अन्य पार्टियां एक साथ खड़ी थी, ठीक है। तो द फैक्टर प्लेड अ मेजर रोल इन द इलेक्शन ऑफ 1977, और ये इन उनका जो फॉर्मूला था दैट हैज रिजल्टेड मेटेरियलाइज इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर ये धरातल पे साबित हुआ, अच्छे इसके परिणाम आए। किस तरह से परिणाम आए, 1970 के चुनाव में जनता दल हैज गॉट द विक्ट्री, लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। हमने बात की थी कि नॉर्थ के इंडिया के अंदर अगर हमने देखा तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दिल्ली के बाद में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार तक कांग्रेस को 1977 के चुनाव में एक सीट नहीं मिली, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिर्फ एक एक सीटों के साथ उसको तसल्ली करनी पड़ी, संतुष्टि करनी पड़ी। वहीं साउथ के जो राज्यों में उनको फिर भी 1977 के चुनाव की बात करें या फिर 1980 के चुनाव में साउथ के राज्यों में उनको अच्छा बहुमत मिलता है। राइट, तो ये तो बातें हुई हमारी 1970 इलेक्ट, जो उनकी नॉन कांग्रेसिज्म और डिवीजन ऑफ वोट्स को वो नहीं कर पाए, इस वजह से ये 1977 में परिणाम जनता दल के फेवर में रहा। अब हम बात करते हैं कि 1977 में एक और मुद्दा था जिसके बारे में हम बात करना नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना, एंड दैट वाज ऑफ द रिजर्वेशन। किसकी रिजर्वेशन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैकवर्ड कास्ट। देखो, एक और एक नया मुद्दा बैकवर्ड कम्युनिटी के कुछ राजनीतिक विचारक, राजनीतिक नेता आप कहें, उन्होंने 1980 के दौर की बात करें, 77 में भी उन्होंने एक, यानी कि 1970 एंड ऑनवर्ड्स एक नए मुद्दे को लेकर आए कि जो बैकवर्ड कास्ट है, पिछड़ी जातियां हैं,
उनका जो फिनेंशियल कंडीशन को देखें, अगर एजुकेशनली देखें तो दे हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड। उससे पहले हम रिजर्वेशन दे ही चुके थे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना, उनको रिजर्वेशन पहले कॉन्स्टिट्यूशन में मिल चुका था। और अब एक नए रिजर्वेशन की बात होने लगी, वो थी बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की बात। तो इसको लेके 1977 के चुनाव हुए और अवता दल 1977 के चुनाव में जनता दल को इसका फायदा भी मिला, ठीक है ना। जनता दल इसकी वजह से सीटें जीत के आया और पूरे उत्तरी भारत में उनको अच्छा बहुमत मिला। 1980 के चुनाव को अगर देखें इसका असर क्या रहा, जो रिजर्वेशन को लेके जो उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था, तो कहीं ना कहीं 1980 के चुनाव में भी उत्तर भारत के अंदर जनता दल हार गया, उनको मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन उत्तर भारत के अंदर ड्यू टू द क्या कहते हैं पोलराइजेशन, वोटों का एक ध्रुवीकरण हुआ, ठीक है ना, बैकवर्ड कम्युनिटी की वोटों का। और उत्तरी भारत में फिर भी 1980 के चुनाव में भी बैकवर्ड कम्युनिटी की वजह से 1980 के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में भी फिर उनको सीटें उत्तर भारत में मिली। लेकिन दक्षिणी भारत की बात करें हम, चाहे तमिलनाडु, केरल, और आप बात कर सकते हो कर्नाटक, ये क्षेत्र में कांग्रेस को अच्छा बहुमत मिला, ठीक है ना। तो ये इश्यू ऑफ बैकवर्ड क्लास बिगेन टू डोमिनेट रिजल्ट ऑफ 1977, 1977 के जो चुनाव का जो रिजल्ट है पार्टली जो जनता दल के फेवर में गया था, इट वॉज पार्टली अशिफ्ट अमंग द बैकवर्ड कास्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, दे हैव शिफ्टेड देयर लॉयलिटी एलिजियंस टुवर्ड्स द जनता दल। इससे पहले कांग्रेस की तरफ थे, लेकिन कांग्रेस से उनकी इच्छाएं आशाएं पूरी नहीं होती, देखे उनको रिजर्वेशन नहीं मिला, एंड फाइनली दे हैव शिफ्टेड देयर सेल्फ टुवर्ड्स द जनता दल। और जनता दल के टाइम में जब मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई की सरकार होती है, मैं बात कर रहा हूँ बीपी मंडल एक कमीशन बैठाया गया, ये बात है 1980 की बात है, ठीक है ना। 1980 के अंदर एक मोरारजी देसाई की जब सरकार थी तो उन्होंने एक कमीशन बैठाया और ये मंडल कमीशन को जो जिम्मेवारी दी गई ये बैकवर्ड कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, और क्या इनको रिजर्वेशन की वास्तव में आवश्यकता है। एंड फाइनली बीपी मंडल जो एक मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, उनकी रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट 80 में आने के बाद लगभग 11 साल बाद उस रिपोर्ट को 1990 में उस रिपोर्ट को लागू किया गया। लेकिन उस टाइम काफ़ी आंदोलन हुआ, वो एक अलग विषय है, उसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे। तो 1977 के अंदर ही स्टेट असेंबली के इलेक्शंस भी हुए, ठीक है ना। नॉर्दर्न स्टेट के अंदर नॉन कांग्रेस पार्टियां आई और ये कारण था जो बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन्होंने आरक्षण के बारे में जो बात की उसकी वजह से उनको मिली भी सीटें। रिजर्वेशन इशू ऑफ द बैकवर्ड क्लास बिकेम वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इन बिहार फॉलोइंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द मंडल कमीशन। मैंने बात कर चुका हूँ कि बिहार के अंदर जो रिजर्वेशन से रिलेटेड एक आंदोलन चल रहा था वो काफ़ी एक उग्र रूप धारण कर चुका था और इसके लिए मोरारजी देसाई के टाइम में सरकार में एक बीपी मंडल आयोग मंडल कमीशन बैठाया गया, जिनको जिम्मेवारी के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। उन्होंने देखना था कि बैकवर्ड कास्ट है उनकी फाइनेंशियल स्टेटस एजुकेशनल स्टेटस को देखकर उनको फाइनली जो मैं बात कर रहा था मंडल कमीशन की रिपोर्ट, ठीक है ना, 27% रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन की गई कि 27% आरक्षण बैकवर्ड कम्युनिटी को देने की आवश्यकता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करें तो। इलेक्शन आफ्टर द इमरजेंसी सेट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ चेंज इन द पार्टी सिस्टम। अब पार्टी सिस्टम के अंदर जो इमरजेंसी के बाद में बहुत कुछ चेंजेस आए, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात करें तो देश के अंदर जो पार्टी जिसके पास में पूर्ण बहुमत था
मैं बात कर रहा हूँ 1971 के चुनाव के बाद में कांग्रेस का, वो पार्टी जो पूर्ण बहुमत के साथ है, वो एक कह सकते हो आप कंक्लूजन में कि अनडेमोक्रेटिक तरीका अपनाती है और देश के अंदर इमरजेंसी लगाती है। और उस इमरजेंसी के काल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उनका मिसयूज किया गया, ये उनका मिसयूज किया गया, ठीक है ना। तो बैटल ऑफ जुरिस्डिक्शन के बारे में आप बात कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मतलब देर वॉज अ कॉन्ट्रोवर्सी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द जुडिशरी और द पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस, आप कह सकते हो। वहीं कांग्रेस अपने सरकार को या संसद को कह रही थी कि वो सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की पावर उसके पास है। दूसरी तरफ हम बात कर सकते हैं जुडिशरी, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो मानव अधिकारों को लेकर काफ़ी उनके फेवर में निर्णय देने के लिए की बात कर रहा था। तो बीच में एक ऐसा दौर आया जिसमें आप बात कर सकते हो कि एक तरफ संवैधानिक संकट बना हुआ था, एक तरफ न्यायालय मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रहा था, दूसरी तरफ जो संसद है या आप सीधा नाम ले तो कांग्रेस पार्टी है, वो बातें कर रही थी किसकी, वो बातें कर रही थी आपके नीति निर्देशक तत्व, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज की। तो इसको लेकर दोनों के बीच में रस्साकसी का टाइम था। फिर पॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें तो वो राजनीतिक संकट ये हो गया कि भाई एक तरफ सरकार के पास बहुमत होते हुए भी वो उन्होंने तरीका अपनाया जो एक लास्ट अंतिम जो कुछ नहीं रहता तब कोई सरकारें इस तरह का अपनाती है, वो आपातकाल का लगाना। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, बैटल ऑफ जुरिस्डिक्शन बिटवीन दी जुडिशरी एंड दी पार्लियामेंट, ठीक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, द पार्टी इन द पावर हैड एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिस पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत था, येट इट डिसाइडेड टू सस्पेंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और उन्होंने डेमोक्रेटिक पूर्ण बहुमत होने के बाद में भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को उसने सस्पेंड कर दिया, स्थगित कर दिया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए इट यूज वुड बी विद इन द नॉर्म्स ऑफ द रूल ऑफ द लॉ, वो पावर जिसको रूल ऑफ द लॉ का इस्तेमाल कानून के तहत किया जाना चाहिए था। और बहुत सारी शक्तियां आपातकाल में, ये बात सही है कि केंद्र सरकार के पास होती है, लेकिन एक केंद्र सरकार को इन शक्तियों का इस्तेमाल अब्यूज नहीं करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए, कहने का जुडिशियसली इस्तेमाल करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। दिस एक्सपेक्टेशन लेड टू द वाइड इन द ओपन एंडेड पावर गिवन टू द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। अब दिस एक्सपेक्टेशन लेड टू वाइड एंड ओपन एंडेड पावर गिवन टू द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, ये सब कुछ किया इसलिए गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरह के प्रोविजन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इन केस ऑफ रियल संकट, ये संकट नहीं था, आपातकाल की परिस्थितियां नहीं थी, ताकि उस पीरियड में सरकार के पास इतनी शक्ति हो कि उनका इस्तेमाल करके वो भारी शत्रु से रक्षा कर सके, या फिर आंतरिक विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह है, उसका मुकाबला कर सके। उन प्रोविजन का, उस आर्टिकल का इस तरह से इस्तेमाल करना, इसको एब्यूज कह सकते हैं। तो दूसरा एक क्रिटिकल इशू था कि भाई मास प्रोटेस्ट की बात हो रही थी, जो राजनीतिक पार्टियां, अन्य पार्टियां था जब कांग्रेस सरकार में थी 1971 और उसके ऑनवर्ड्स 75 तक, जब तक इमरजेंसी काल था, या फिर 75 के बाद भी में भी, ठीक है ना। तो जो अन्य पार्टियां, राजनीतिक दल हैं, उन्होंने जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसका उन्होंने भी बखूबी से, जो कह सकते हो, मिसयूज किया। देश के अंदर एक इस तरह की अव्यवस्था फैला दी गई, सरकार के खिलाफ गवर्नमेंट मशीनरी को उकसाया गया, सेना को कहा गया कि आप मॉरल और लीगल, जो मॉरल और लीगल काम नहीं है उसको सरकार के को मत मानो,
तो अपने आप में एक संवैधानिक संकट करने खड़ा करने वाले काम विपक्षी पार्टियों ने भी इस ड्यूरेशन में किया। और इसलिए जहां कहीं भी अगर बात होती है तो जेपी जयप्रकाश नारायण जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे, जिनके एक अच्छा व्यक्तित्व की बात कर सकते हो, उनकी राजनीति जब वो नेता के रूप में थे तो बहुत अच्छी बातें की जाती है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो संकट में आए हुए नज़र आते हैं कि उन्होंने इस पीरियड में मिसयूज किया पावर का। तो इसी के साथ आज